भैया मैं एक लाइव इंटरव्यू पे हूँ, मैं थोड़ी ओके देर में करूँ फोन। ओके ओके होल्ड सर, क्या रोलिंग सर। उदय जी, बीएनबी थैंक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। यू नायर अवधेश मिश्रा का बीएनबी देखने वाले तमाम दर्शकों को बहुत सारा प्यार। रहे घर में, रहे अस्वस्थ रहे। अवधेश जी, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं आप लॉकडाउन में? घर में रहकर, पूरे घर में ही कैद हो गए हैं सभी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कैद नहीं हूं, मैं बल्कि अभी स्वच्छंद हूं। मैं स्वच्छंद इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक केवल काम करना अपने प्रोफेशन में, अपने अपने दर्शकों में, अपने सब चीज में। अभी मैं खुद के अंदर स्वच्छंदता से विचर सकता हूं। मतलब मैं मेरे अंदर कितना ज्ञान है, कितनी उम्मीदें हैं, हमारे आत्मबल में कितनी शक्ति है, उसमें मैं लीन हूं। मैं लिख रहा हूं और केवल लिख रहा हूँ, केवल पॉजिटिव सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छे के लिए सोचता हूँ। तो इसलिए सब अच्छा लग रहा है। मुझे देख करके नहीं लगेगा कि मैं कैद हूँ, मैं कहीं अपने आप को कैदी महसूस नहीं। आजकल क्या क्या राइटिंग चल रही है आपको? टीवी देखकर कहीं ना कहीं पूरे दिन राइटिंग में निकालते हैं आप, क्या क्या किस किस चीज पर आप सब्जेक्ट रहता है आपका? देखिए, मैं मुझे नहीं मालूम था कि कवि लिख सकता है, तो वो लिखता हूँ। मैं ये नहीं, मैं कवि हो गया, कोशिश कर रहा हूँ और लिखने की, और कुछ होते चला जा रहा है। और कंटेम्प्रेरी जो चीजें आती हैं उस पे होती चली जा रही हैं, बातें बनती चली जा रही हैं, अच्छा लगने लगा है। और साथ साथ मैं कुछ सब्जेक्ट पे स्क्रिप्ट लेखन ही कर रहा हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन मेरे हर एक्टर के अंदर एक राइटर भी छुपा होता है, तो उस राइटर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका भी मतलब ये नहीं कि मैं राइटर बन जाऊंगा। मैं हूँ एक्टर, था एक्टर, रहूंगा एक्टर। लेकिन अब इस वक्त में अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए, सकारात्मक विचार लाने के लिए सकारात्मक कार्य भी करते रहना पड़ेगा। नहीं तो टेलीविजन देखो, घर में बैठो, फिल्में देखो, थक जाता है आदमी। अभी मैं बहुत खुश हूँ और का एहसान है मुझ पे। कहते हैं सब विपदा आई, कुछ दिन खुद के साथ रहा तो खुद से खुद की पहचान हुई। क्या लॉकडाउन ने आपको शायर बना दिया, एक राइटर बना दिया, क्या कहना चाहेंगे? नई चीज आदेश मिश्रा में एक नई चीज का देखने को मिली हमें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो मन होता है ना, हमारी जो आत्मा है, आत्मबल में कभी कभी अनंत सागर होता है, अथाह सागर। हमने कभी हमेशा बाहर के ही दुनिया में डुबकी लगाई है। दूसरों में हम बहुत चीज ढूंढने की उम्मीदें करते हैं, हम खुद के अंदर कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या कर सकते हैं, अच्छे हमारे अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, उसमें आप जितनी गहराई तक जाएंगे उतने और आपको कुछ ना कुछ मिलते चले जाएंगे। तो ये वक्त मिला है, मेरी उम्र 51 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। मेरी उम्र के ही इस पड़ाव पे आकर के मुझे ये लगता है कि पहली बार ये मौका मिला है कि मैं खुद के साथ रहूं और खुद को जानने की कोशिश करूं। तो शायर नहीं बना हूं मैं। देखिए, विज्ञान बाहर होता है, ज्ञान तो हमारे अंदर होता है। तो मैं उस ज्ञान को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और ये ज्ञान मिल भी रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा आत्मबल भी बड़ा मजबूत हो रहा है, आत्मा की शक्ति भी पहचान रहा हूँ। और मुझे हाँ, विपदा है, बहुत बड़ी विपदा है। सब त्रस्त हैं, सबको सताया जा रहा है वक्त के द्वारा। कोई मनुष्य किसी को नहीं सता रहा है, हालात सबको सताया जा रहा है। लेकिन इसे त्रस्तता में जो प्रकृति ने दिया है, प्रकृति को भी कभी हमने त्रस्त तो किया ही है ना, तो प्रकृति की इस त्रस्तता को हमें भी झेलना पड़ेगा। जब हमें प्रकृति ने झेला है तो अभी वो हमें झेला रही है, तो हम झेल रहे हैं। उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से, हमारे कुदरत ने हमें हमारे अवगुणों को एक्सेप्ट किया, तो प्रकृति के द्वारा दिए गए कुछ कष्ट को हम भी बड़ी सहजता से, बहुत सकारात्मक तरीके से झेलने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक झेल पाए। सर, अगर बात करें शुरुआत कहाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो कैरियर की शुरुआत की बात करें, आप मुंबई आना कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, अगर जानना चाहें?
अब ये सब जानते हैं कि मैं बिहार का हूँ, बिहार में सीतामढ़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के सुदियारा एक गाँव है, वहाँ का रहना, वहीं पे पैदा हुआ सीतामढ़ी में, गांव के मिडिल स्कूल से पढ़ के हाई स्कूल पटना में आया, पटना में हाई स्कूल के बाद थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर से फिर दिल्ली गया, वहाँ प्रोफेशनल थिएटर किया, दिल्ली से बॉम्बे आया, एक जर्नी रही है। लेकिन अमूमन कभी ये बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि मैं सिनेमा में ही जाऊंगा, कुछ हालात ऐसे रहे जिसका मैं अभी बखान भी नहीं करना चाहता हूँ, कुछ हालात ऐसे रहे जिसकी वजह से मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे आया फिल्मों में काम करने का अवसर प्रकृति ने दिया, किस्मत रही और मैं आज यहाँ हूँ। किस्मत ने जैसा ऐसा मुझे मौका दिया वैसा वैसा मैं कार्य करता रह गया। मैंने जो चाहा शायद वो मिला नहीं, जो नहीं चाहा वो ऊपर वाले दे रहे हैं, तो जो वो दे रहे हैं वही मेरे लिए जो चाहत की पूर्ति वही है। हम क्या, हम मामूली इंसान है, जो हमें मिलता है वही हम करते हैं, वही कर रहे हैं। पहले आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन रहा हूँ, आपकी आवाज बीच में बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हाँ सर, पहला पहले प्रोजेक्ट की पहला प्रोजेक्ट की बात करें, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट था जिन्होंने आपकी लाइफ बदल दी, एक मुंबई में पहचान बना दी, पहला प्रोजेक्ट क्या था जो शुरुआत? शुरुआत यहाँ पे आकर के फ्लूटिंग एक्टर था मैं, जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते थे उसमें फ्लूटिंग का काम करता था, जैसे वो उसमें पर डे पैसे मिलते थे, पर एपिसोड जितने एपिसोड में दिख जाए उसमें पैसे मिलते थे। तो जितने माइथोलॉजिकल सीरियल जैसे जय हनुमान वगैरह जी उस समय बहुत आते थे, तो उस समय काम करता था। लेकिन मुझे एक एक्सीडेंटली कह सकते हैं एक अवधि सीरियल पहली बार मिला, ई टीवी बिहार उत्तर प्रदेश के लिए बनता था पहले, उसमें मुझे काम मिला भाग नभाचे को, तो मैं 3-4 रहा था, लेकिन उन लोगों को मेरा काम अच्छा लगा, फिर वो मेरा कैरेक्टर कंटिन्यू हो गया और कंटिन्यू होते होते मेन कैरेक्टर हो गया। तो वो एक मेरे लिए साधन जीने का मिला, उसके वो एक सहारा मिला जिससे मैं थोड़े हद तक अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रख पाया। उसके बाद शांति भी, मैंने शांति तो उसके पहले किया था, और शांति जब मैं बॉम्बे आया था उसी समय मुझे शांति सीरियल में भी एक छोटा सा किरदार मिला, उसके बाद वो धीरे धीरे वो भी बढ़ गया, तो मैं खुश हो गया और मैं फैमिली को भी ले आया। लेकिन मैं जब फैमिली को लाया तो वो सीरियल ही बंद हो गया, तो फिर वही स्ट्रगल और वही दिक्कतों में जिंदगी गुजरने लग गई। फिर बहुत सालों बाद मुझे मेरे जीवन में इस बीच में बहुत सारी आपदाएं विपदाएं ये सब आती रही, और 2003 में मुझे मिला था भाग नवाचे कोई, भाग नवाचे कोई के ही निर्देशक अजीत श्रीवास्तव जी एक फिल्म बना रहे थे भोजपुरी, राजा भोजपुरिया, उन्होंने मुझे ऑफर किया था उसमें सेकंड विलेन के लिए, फर्स्ट विलेन हमारे सुशील सिंह जी थे। मैंने बोला कि भोजपुरी भी करूँ और सेकंड विलेन, तो मैंने मना कर दिया, जबकि हालात मेरे ऐसे थे नहीं कि मना करने की स्थिति में था नहीं, फिर भी मुझे लगा कि मना करते हैं। लेकिन किस्मत भोजपुरी में ही लानी थी, विलेन का ही काम कराना था, तो इतनी मजबूरियां आ गई और उस बीच में एक ऐसे ऑफर अनायास आ गए, फिल्म थी दुलाई सिंचाई और शूटिंग पे लोग परसों जा रहे थे और अचानक मुझे वो फिल्म पे ऑफर हुए और मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैंने उस फिल्म को एक्सेप्ट किया और बस तब से भोजपुरी में हूँ आज तक। वो फिल्म का नाम दुलाई सिंचाई था, रवि किशन जी उसके हीरो थे। हाँ, उस फिल्म ने मुझे अमूमन पहचान तो नहीं दिलाई, लेकिन इंडस्ट्री में उस सिनेमा ने पहचान दिला दिया। एडिटिंग के दौरान ही लोगों में थोड़ी बहुत चर्चाएं होने लगी इंडस्ट्री के जो थे उस समय के निर्माता निर्देशक की, कोई एक विलन है अच्छा, अच्छा एक्टर है। फिर उसके बाद के सिंह जी बहुत बड़े राइटर, उन तक ये बात पहुंची, उन्होंने मुझे एक फिल्म वो उस समय डायरेक्ट कर रहे थे गंगा तोहर पानी अमृत, बहुत बड़े राइटर जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली प्रेम रोग वगैरह लिखा है, तो उनके उनकी फिल्म में मुझे वो अवसर मिला मेन विलन का। और उस फिल्म को देखते देखते दूसरी फिल्म, उसकी एडिटिंग के दौरान ही मुझे दूसरी फिल्म सुहाग मिल गई। सुहाग ने मुझे थोड़ा कमर्शियली पहचान दिया था पब्लिकों में, और
वो फिल्म मेरे जीवन में थोड़ा योगदान भी इसलिए देती है कि उस सिनेमा से मेरी एक बहुत बड़ी आरजू थी मेरे, कि मैं सोचा था कि जीवन में कभी कुछ बनूंगा तो मेरी माँ को मैं सामने लाऊंगा। तो वो सिनेमा हॉल में प्रमोशन पे गए थे तो मैं माँ को लाया था और हजारों की भीड़ में माँ जब आई, और वो बड़ा भाव विवल समय था मेरे लिए। तो एक इच्छा भी थी कि मैं माँ को लाऊं और माँ को लाया, और तब से कोशिश करता हूँ माँ को सामने अपने साथ रखने की, लाता ही रहता हूँ। और मुझे एक बहुत बड़ी जो बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा मेरे सिनेमा करियर का, वो फिल्म थी प्रेम के रोग भैल। वो निरहुआ एंटरटेनमेंट की फिल्म थी, निरहुआ हीरो थे लेकिन विलेन का बड़ा वर्चस्व था। विलेन प्रधान ही कहानी थी, विलेन को प्रेम हो जाता है। तो वो सिनेमा मेरे लिए बड़ा एक मील का पत्थर रहा, और मैं हूँ यही हूँ, सिनेमा करता रहा हूँ, लोग मुझे पसंद करते रहे हैं। लेकिन मेरे एक एक्टर के करियर में अगर बोलेंगे कि क्या सबसे बड़ा अभी तक बदलाव रहा, तो वो रहा फिल्म मेहंदी लगा के रखना। जो विलेन करते करते अचानक मैं खुद से उबने लगा था कि मैं विलेन 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 विलेन, तो फिर मुझे लगा कि कुछ अलग। फिर मेहंदी लगा के रखना एक हार्ड कोर सार्थक पॉजिटिव रोल, तो वो किया। रिस्की था मेरे लिए कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि विलेन का इमेज बड़ा तगड़ा था मेरा, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मुझे सर आंखों पे बिठाया भी, और तब से लेके अब तक मैं अपने अंदर के हर छुपे अभिनेता के रूप को ढूंढता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। विचार भी अच्छे बनते जा रहे हैं, कार्य भी अच्छे होते चले जा रहे हैं, और प्रतिफल भी अच्छा मिलता चला जा रहा है। यही मेरी तो जर्नी है। कहीं ना कहीं आपने मतलब स्वीकार कर लिया कि मैं एक विलियन की भूमिका ही निभाऊंगा, एक पहचान बना ली आपने, अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, आपने बात करने का तरीका, बाल काट के रखते हैं चश्मा, वही ड्रेसिंग स्टाइल में रहना, मतलब भोजपुरी के अमरीश पुरी कहे जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जब विलियन की बात आती है तो सबसे पहले अवधेश मिश्रा का नाम आता है, कहीं ना कहीं आपका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया जो आप चाहते थे कि अलग पहचान नहीं, बने। हाँ पहचान तो बनी और बहुत ही तगड़ी पहचान बनी, लेकिन उस पहचान का प्रतिफल भी मिला, गालियां भी सुनी, चप्पलें भी मेरे पे बरसाई गईं, तो वो सब प्रसाद भी मिला है मुझे। और उसका मैं क्या कहूँ, उसने सिनेमा में स्थान तो दिया, लेकिन लोग किसी के नाम से जोड़ते हैं तो वो अच्छा है, खुशी की बात है। ऐसे महान कल महान अभिनेता के नाम से जोड़ देते हैं तो वो थोड़ा लगता है कि यार वो कहाँ और हम कहाँ। मैं अवधेश मिश्रा बन के ही जीना चाहता हूँ। अवधेश मिश्रा को लोग एक मापदंड बना लें, जैसे अमरीश जी, प्राण साहब, इन लोगों को मापदंड बनाया जाता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि अवधेश मिश्रा को एक मापदंड बनाए, इस लायक बन जाऊं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हूं, बहुत एक सिनेमा के सागर के एक छोटे से किनारे का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं। तो इस छोटा सा हिस्सा कब सागर में तैरने लगे, वो कोशिश में लगा हुआ हूं। भोजपुरी इंडस्ट्री छोटी है, भोजपुरी इंडस्ट्री गरीब है, भोजपुरी इंडस्ट्री एमेच्योर्ड है, भोजपुरी इंडस्ट्री में वो शायद परिपक्वता नहीं है जो दूसरी इंडस्ट्री में, साउथ की इंडस्ट्री में या हिंदी इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में होती है। तो इन सब कमियों के बावजूद मैं इस इंडस्ट्री में ही हूँ, और ये मेरी मर्जी भी कह लीजिए, मेरी किस्मत भी कह लीजिए, लेकिन हाँ चाहत तो है कि मैं आगे जाऊं, कहीं हिंदी इंडस्ट्री में जाऊं या कहीं और जाऊं। साउथ की मैंने दो फिल्में भी करी हैं, लेकिन वो रूप वहां पे नहीं हासिल हो पाया जो भोजपुरी में है। तो मैं यही मानता हूँ कि ये मेरा घर है, और घर को जितना मजबूत कर पाए, खुद को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। पहले अपने आप को मजबूत कर लूँ, उसके बाद आजू बाजू के चार दीवारों को मजबूत करूं, कोशिश में हूं। माना जो ऊपर वाले ने मनवाना चाहा वही माना हूं मैं, और क्या। सर आप बिल्कुल ही अलग तरह से जीवन व्यतीत करते हैं, आप कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करते हैं जिससे आप गर्दिश में आए, लोग आपके पास फोन करें, कोई भी ऐसी चीज नाम लेना नहीं चाहेंगे, कुछ सालों में ऐसे बोला था कि अगर हम भोजपुरी छोड़ देंगे इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कुछ तीन चार लोगों ने एक्ट्रेस ने बोला था, उन पर काफी बवाल हुआ था, लोगों ने उनको अनाप शनाप भी कहा था, कि ऐसी बातें कभी अवधेश मिश्रा के मुंह से नहीं हमने नहीं सुनी, ना कभी आप ऐसी कोई कमेंट करते हैं।
एक हमने देखा कि पार्टियों वहां पे आम सिंपल जिंदगी जीते, क्या कहना चाहेंगे इसके, पब्लिक के बीच में जाके सेल्फी लेते हैं, आप पता वोट नहीं, से मैं ये जो भी कहे होंगे शायद उनके हिसाब से बातें सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बातें सही है कि अगर इंडस्ट्री मुझे छोड़ देगी तो हम कहीं नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल लेकिन उल्टी बातें मैं सोचता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि अगर हम इंडस्ट्री से निकल जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मतलब बहुत ही कुछ चीजें ऐसी बोली थी, बहुत लोगों ने गुस्सा इसके ऊपर। देखिए ये उनके शब्द हो सकता है गलत हो, भाव वो नहीं हो, क्योंकि आदमी बोलते बोलते अगर बिना सोचे हम कुछ बोलते हैं तो बोलते बोलते कुछ ज्यादा बोल देता है आदमी, तो हो सकता है शब्द निकल जाए, भाव ऐसा नहीं हो उनका भी। बाद में उन्होंने गिल्ट भी फील किया था कि ऐसे उनके कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन मेरा यही सोचना है कि इंडस्ट्री है तो मैं हूं। इंडस्ट्री जिस दिन मुझे नकार देगी हम शायद कहीं के नहीं रहेंगे, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस इंडस्ट्री का, यहाँ के लोगों का, हमारे दर्शकों का, जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे टिकने का वो अवसर प्रदान किया है। नहीं तो बहुत लोग आए बहुत लोग चले गए, ये थर्ड दौर जब शुरू हुआ, मैं तो ये मानता हूँ कि इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हुई थी, हम लोग खत्म होते चले गए। जब से भोजपुरी या हिंदी या सिनेमा आया है दुनिया में, तब से सिनेमा से जुड़े हर लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री वो सिनेमा कहीं नहीं गया, सिनेमा वहीं पे स्थापित है, लोग उसमें एंट्री लेते हैं। तो आज हम हैं, कल को कोई और आएगा हम चले जाएंगे। इससे पहले, हमसे पहले भी कुछ लोग थे, तो ये शब्द मंशा जो मैं बोला नहीं है, मंशा उनकी ये नहीं जाता है, हम इंसान ही है, गलती करते हैं इसलिए इंसान है, अगर हम गलती न करें तो हम भगवान हो जाए, तो वो उनकी गलती थी, वो उनकी सोच ये नहीं थी। जो भी हो, मेरी यही सोच है कि इंडस्ट्री से मैं हूँ, और इंडस्ट्री सलामत रहे तो मैं भी सलामत रहूं, वरना इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, अभिनय ही मेरी एक पूंजी है, और अभिनय के ही अनुभव से मैं कुछ लिख भी पाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर एक अभिनेता नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता, और उस अभिनेता की पहचान मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री ने दिलाया, तो मैं इसको ही अपनी माँ कहूंगा। मैं दूसरी इंडस्ट्री से बिल्कुल मुझे परहेज नहीं है, दूसरी इंडस्ट्री ने कभी मुझे साउथ वालों ने बुलाया तो मैं निश्चित गया, मेरी में ही कुछ कमी होगी जिसकी वजह से दूसरे इंडस्ट्री वाले मुझे नहीं बुला पा रहे हैं, या वहां तक मेरी पहुंच या मेरी जो हूंकार है, मेरा औरा है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये कमी मुझ में है, ये उस इंडस्ट्री को शायद अभी मेरी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, या मैं इस लायक नहीं बना हूं कि उस इंडस्ट्री में मैं स्थापित हो पाऊं। फिलहाल जहां हूं, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, जिस दर्शकों ने मुझे इतना स्नेह दिया, आदर दिया, मैं यहां भी हूं, तो नाखुश नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हो सकता हूं, लेकिन नाखुश भी नहीं हूं, मैं खुश हूं, और मेरी यही खुशी है जो इनको खुश करने की कोशिश करती रहती है। मैं अलग अलग किरदार करके चाहता हूं कि इनके मन से ना निकलूं, मैं जग से निकल जाऊं, दुनिया से निकल जाऊं, हमारे दर्शकों के मन से ना निकलूं। हमें भी कुछ बुरी बातें हैं, आचरण हमारे भी अच्छे नहीं है, लेकिन हमने उन बुराई को कुछ अच्छे कार्य में व्यतीत करने की कोशिश में लगा दिया। जैसे मैं एनिमल लवर हूँ, जानवरों में बहुत लिप्त हो जाता हूँ, तो मैं अभी इस स्पेशली इस लॉकडाउन के समय में जो सड़क के जितने जानवर हैं, स्पेशली डॉग्स, उनमें मैं बहुत इन्वॉल्व होता हूँ, उनको जाके खाना खिलाना, चूंकि वो भूखे हैं, उनको खिलाने वाले अभी नहीं मिल रहे हैं, और भूख से वो मर भी रहे हैं। अमूमन भूख से कितने इंसान मरे हैं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई जानवरों को मैंने मरते देखा है, तो मैंने ये व्रत कर लिया है कि जब तक लॉकडाउन है, हमारी स्थिति जैसी भी रहे, जानवरों को हमारे जो नजरों के सामने, उसको भूखा न रहने दें, और सड़क के जानवर खुश हैं, शायद उनकी खुशी ऊपर वाले सुने और वो हमें भी खुश रखें, या इतना हमें देते रहे कि मैं उन जानवरों को खिलाने के बहाने हम भी कुछ खाते रहें, तो हम किसी पे एहसान भी नहीं करते हैं। सर, एक मैं वीडियो प्ले करना चाहता हूं। माना कुछ दिन और बढ़ गया ये लॉकडाउन और मानव दूरी, तो भला भी मानव का ही होगा, ये मानवता की थी मजबूरी, वजह भी हम में से ही बने कुछ, माफ करे पर मुझे है लगता जो किए ना होते नियम उल्लंघन, तो लॉकडाउन
आगे न बढ़ता। धर्मों की जगह जीवन के खातिर घर में जो कुछ दिन टिक जाते तो देश भी पीछे न जाता और हम भी आगे बढ़ पाते। अब भी ज्यादा कुछ नहीं है बिगड़ा, जो संभल गए अब भी हम सारे तो देश ही क्या दुनिया को बचा ले जो त्रस्त है इस वायरस के मारे। युद्ध लड़े मानव ने अब तक न जाने कितने बड़े बड़े, वो हर दुश्मन था दिखने वाला अब तक जिससे थे युद्ध लड़े। पर ये विचित्र अदृश्य है दुश्मन तो नियम भी लड़ने का बदलेंगे। मानव दूरी को शस्त्र बनाकर घर बैठे उस पे वार करेंगे। माया से आया था ये कोरोना तो माया से इसे हराएंगे। इस लॉकडाउन का पालन करके इस देश से उसे भगाएंगे। हाथ जोड़कर विनती करता देश का पीएम है सबसे, सात बात में साथ निभाएं ये वचन मांगता है हमसे। तो कसम हमें है इस माटी की, वो सातों वचन निभाएंगे। कोरोना मुक्त ये धरा बनाकर देश का मान बढ़ाएंगे। दोस्तों इस लॉकडाउन का कृपया पालन करें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। लव यू ऑल। बदलाव है दिखता उन बेजुबान में, सड़क ही जिनका घर होता था, मुझ जैसे कुछ नियमित उसको हर हाल में भी खाना देता था। सब देख मुझे आते थे दौड़े, जब खाना लेकर पहले जाता था, अब बिन बुलाए ना कोई आता, पहले तो बुलाना ना पड़ता था। आते भी हैं तो दूरी रहते, मुझसे ही नहीं उन जैसों से भी, पहले जुड़ते थे साथ में सारे, अब साथ ना आते हैं कोई भी। बारी बारी आते और खाते, अपनी ही जगह वापस चले जाते, हर हाल में भी अब रहते अकेले, झुंड में पहले सान बनाते। त्रास्ती में इस लॉकडाउन के कभी भूखे भी सो जाते हैं, रूखी सूखी कभी कम ही सही, खुशी से आकर खा जाते हैं। पहले किसी एक के भौंकते ही भौंकने लगते थे सारे, अब भड़काए चाहे कोई भौंके जितना, चुपचाप पड़े रहते बेचारे। लालच की रोटी है लाते अब भी कुछ अपनी रोटी सेकने वाले, पर सेवादारों की पहचान है उनको, पहचानते सब असली रखवाले। अब बदलाव ये ऐसा क्यों कराया, कहना क्या चाहे वो बेजुबान, हम तो विवेकहीन है शायद पर बुद्धिमान है कुछ इंसान। बुद्धिमता से उंजसों की ये लॉकडाउन बढ़ता ही रहेगा, अब तक तो मरे बस सैकड़ों में कुछ है, कल हजारों लाखों में भी मरेगा। कृपया कल की आजादी के लिए चंद दिनों की खुद की गुलामी अपने घर में कबूल करें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार, लव यू ऑल। बेवक्त दस्तक दे दिया ये वक्त सबके सामने, कोशिशें करता रहा कि हम न टूटेंगे कभी, हर कोशिशें असहाय टूटा सा पड़ा खुद सामने। सब दुख सहेजे रख रहा था एक पोटली में बांधकर, वो पोटली फटने लगी बढ़ते दुखों के सामने। ढाढ़स कोई कितना सुने, अच्छे भी दिन फिर आएंगे, हर शक्ति झूठी पड़ गई इस त्रासदी के सामने। थक चुके हर पांव, जाएंगे कहां और क्यों भला, है हाथ खाली आंत सूखी खुदगर्जियों के सामने।
झूठी दिलासा दे के सिलता फटी आस की चादर रहा, धागे अब कम पड़ गए इतने चीथड़ों के सामने, न समाज कोई रह गया न देश न दुनिया कोई, सब अकेले रह गए मजबूरियों के सामने। उम्मीद की है एक किरण कुदरत ही कुछ कर पाएगा, निर्जीव होने है लगा हर जीव उसके सामने, अब तू ही कर कुछ ऐ विधाता, सब कुछ तेरे ही वश में है, बेबस सभी व्याकुल हृदय नतमस्तक है तेरे सामने। वक्त दस्तक दे दिया ये वक्त सबके सामने, कोशिशें करता रहा कि हम न टूटेंगे कभी, हर कोशिश टेक केयर। कुछ बदलाव है दिखता उन बेजुबान में, सड़क ही जिनका घर होता था, मुझ जैसे कुछ। जी अवधेश जी, जी क्या कहना चाहेंगे सर? आप इस वीडियो को देखकर काफी आंखें नम हो जाती हैं, जो आपने क्या कहना चाहेंगे वीडियो के बारे में, क्या रिएक्शन है आपका? आप प्लीज थोड़ा सा पीछे रिएक्शन तो या जी क्या कहना चाहेंगे? रिएक्शन क्या है, रिएक्शन तो पूरे धरती का यही है जो मेरा है, त्रस्त तो सब है, बदहाल सब। एक क्या होता ना कि एक जो सभी आग आदमी इलाज करा कर बर्दाश्त भी कर लेता है, पेट की आग नहीं भूल पाता है। आपने जो मेरी कविता सुनाई है उसमें ही मैंने एक लाइन जो है वही लिखा था कि थक चुके हर पांव जाएंगे कहाँ और क्यों भला, थक चुके हर पांव जाएंगे कहाँ और क्यों भला, है हाथ खाली आंख सूखी खुद गर्जियों के सामने। तो ये पूरी बातों का जवाब यही है, हम खुद गर्ज हो ही गए हैं, कुछ मानसिकता ने किया है, कुछ हालात ने किया है, कुछ मजबूरियों ने किया है, लेकिन हर खुद गर्जी का जो परिणाम है कि आज एक बच्ची अपनी अपने पिता को साइकिल पे बिठा के गांव तक ले जाती है चला करके, बच्चे को कांधे पे लेकर के महिलाएं चल रही हैं, जो एनिमल लवर है वो जानवर को भी कांधे पे अपने बिठाल के लेकर के जा रहे हैं। तो स्थितियां तो ऐसी होती जा रही है, अब इसको क्या कह सकता हूं मैं। पहला लाइन यही कहूंगा कि दोष किसको दें, सभी निर्दोष दिखने हैं लगे, बेवक्त दस्तक दे दिया ये वक्त सबके सामने। तो यही है, अब जो बेवक्त दस्तक जो मिला है वक्त का, तो उसका रिजल्ट वही है, अब तू ही कर कुछ है विधाता, सब कुछ तेरे ही वश में है, बेबस सभी व्याकुल हृदय नतमस्तक है तेरे सामने। अब तो इंसानों से बातें हट गई, मुझे नहीं लगता है कि इंसानों के संभाले कुछ संभलने वाला है, तो हम सब अकेले रह गए, सब अकेले रह गए, न समाज कोई रह गया, न देश न दुनिया कोई, हम सब अकेले रह गए मजबूरियों के सामने। तो अकेले हैं, अकेले ही लड़ना है, अकेले ही मरना है या अकेले ही जीना है। तो इस एकाकीपन में मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं। हमारे जो मजबूर मजदूर लोग आज इस हालात का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही देश में हमें इस हालात का सामना करना पड़ जाएगा। ये सरकार शायद कभी सोची नहीं थी कि उसको इस तरह से निपटारा करना पड़ेगा चीजों से, इस तरह से छुटकारा पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं दोष किसको दूं सर, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता हूं, मैं दोष नहीं दूंगा, मैं यही कहूंगा कि अब कुदरत के वश में ही है कुछ भी, कुदरत ही कर सकती है कुछ और कोई नहीं। खुद को संभाले, खुद को सुरक्षित रखें सर। कुछ लोग हैं जो मजदूर भाई से यही कहूंगा, मैं मजदूर भाई जितने मेरे प्रेमी हैं, चूंकि वो मजदूर हैं,
लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए वो वही दर्शक है, हमारे लिए वही देवता स्वरूप इंसान है जिन्होंने अपने चंद पैसे से हमारी गरिमा बढ़ाई है, हमारा मान बढ़ाया है, हमारा नाम बढ़ाया है अपने कमाई के पैसों से। और आज वही लोग इतने त्रस्त है, वही लोग इतने मजबूर हैं कि उनकी मजबूरी हम एक इंसान तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है ये देश भी दूर कर पा रहा है। तो देश भी शायद कहीं ना कहीं असमर्थ हो गया, राज्य तो असमर्थ हो ही गया हमारे, चाहे वो बिहार राज्य हो, चाहे मैं सर मैं कुछ भी बोलूंगा राजनीतिक बयान हो जाएगा, बस यही कहूंगा मेरे उन प्रिय मजदूर भाइयों से कि दोस्त बहुत तकलीफ है, बहुत विपदा है, बहुत त्रासदी है, बहुत सता रही है हमारे पेट की आग, आंत सूख गई है हमारी, लेकिन बचना है हमें, जिंदा रहना है, लड़ना है। हम जिएंगे तो लड़ भी सकते हैं, अगर जीना छोड़ देंगे तो लड़ना भी छोड़ जाएगा। तो जीना न छोड़ें, लड़ें, लड़ेंगे हम लोग तो लड़ाकू लोग हैं भाई, हमारे जो यूपी बिहार के मजदूर लोग हैं हम लोग तो कितने कर्मठ है, इतने लड़ने वाले लोग हैं कि खुद से लड़ते हैं, गरीबी से लड़ते हैं, सबसे बड़ी लड़ाई तो गरीबी से होती है, ये तो हर दिन रात गरीबी से लड़ते रहते हैं। तो ये वो प्रकृति के वरदान है जो धरती पे है, जिनकी वजह से धरती फल फूल रही है, वो किसान जिनकी वजह से धरती फल फूल रही है, ये मजदूर जिनकी वजह से लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, ये मजदूर जिनकी वजह से बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं। तो ये सब लोग हमारे सारे श्रद्धेय दोस्त, हमारे सारे श्रद्धेय बड़े भाई बहन माता पिता, सब लोग से हाथ जोड़ के यही गुहार है कि विपरीत परिस्थिति में भी सुरक्षित रहने की कोशिश करें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। मैं यही भगवान से विनती कर सकता हूं कि जल्दी से इस आपदा, इस विपदा से आपको राहत मिले, हम सबको राहत मिले, हम फिर से एक नॉर्मल समाज में रह पाए, जी पाए, खुश रह पाए, हंस पाए, आप हमारी फिल्म देख पाए। इसके लिए भगवान से दिन रात यही मनाता हूँ, ये भगवान हमारे इन मजदूर भाइयों को ये सारा कष्ट हर लो, बहुत कष्ट झेल लिया इन लोगों ने, ये हालात, ये पैदल चलना, बाप रे बाप, शब्द नहीं है, निशब्द हूं, और बस भगवान ही भरोसा है, किसी को दोष नहीं दूंगा मैं। नियमित उसको हर हाल में भी खाना देता था, सब देख मुझे आते थे दौड़े, जब खाना लेकर पहले जाता था, अब बिन बुलाए न कोई आता, पहले तो बुलाना ना पड़ता था, आते भी हैं तो दूर ही रहते मुझसे ही नहीं उन जैसों से भी, पहले जुड़ते थे साथ में सारे, अब साथ ना आते हैं कोई भी, बारी बारी आते और खाते, अपनी ही जगह वापस चले जाते, हर हाल में भी अब रहते अकेले, झुंड में पहले सान बनाते, त्रास्ती में इस लॉकडाउन के कभी भूखे भी सो जाते हैं, रूखी सूखी कभी कम ही सही, खुशी से आकर खा जाते हैं, पहले किसी एक के भौंकते ही भौंकने लगते थे सारे, अब भड़काए चाहे कोई भौंके जितना चुपचाप पड़े रहते बेचारे, लालच की रोटी है लाते अब भी कुछ अपनी रोटी सेकने वाले, पर सेवादारों की पहचान है उनको, पहचानते सब असली रखवाले, अब बदलाव ये ऐसा क्यों कराया, कहना क्या चाहे वो बेजुबान, हम तो विवेकहीन है शायद पर बुद्धिमान है कुछ इंसान, बुद्धिमता से उन जसों की ये लॉकडाउन बढ़ता ही रहेगा, अब तक तो मरे बस सैकड़ों में कुछ है, कल हजारों लाखों में भी मरेगा, कृपया कल की आजादी के लिए चंद दिनों की खुद की गुलामी अपने घर में कबूल करें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें।